चैनल में आपका स्वागत है। मैं बनवारीलाल कुशवाहा, आप देख रहे हैं हेल्थ न्यूज के साथ सीटन न्यूज। आइए देखते हैं जनपद से जुड़ी खास खबरें। फिरोजाबाद में जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी बीएस कुशवाहा ने अपने खाद्य विभाग टीम संग नगला पचिया में औचक छापामार कार्रवाई की। इस दौरान उन्होंने घी, तेल, मिल्क पाउडर, दूध का नमूना लिया। लेने के साथ ही 50 किलो रिफाइंड, 30 किलो घी, मिल्क पाउडर, करीब आधा किलो सीज किया है। तो देखते रहिए रविन्द्र गौतम की ये रिपोर्ट। ये सूचना मिल रही थी कि नगला पचिया थाना दक्षिण के अंतर्गत फिरोजाबाद में ये कुछ मिलावटी घी और दूध तैयार किया जा रहा है। ये नारायण सिंह नाम के व्यक्ति हैं, इनके द्वारा तैयार किया जा रहा है। ये करते क्या है कि रिफाइंड वगैरह ला करके, रिफाइंड पाम ऑयल ला करके उसको घी में मिक्स करते हैं और दूध में भी मिक्स करते हैं, और दूध में स्किम्ड मिल्क पाउडर भी डालते हैं, क्योंकि स्किम्ड मिल्क पाउडर की बोरी मिली है, रिफाइंड मिला है काफ़ी मात्रा में, रिफाइंड पाम ऑयल। तो एक तरह से ये शुद्ध दूध में रिफाइंड डालते हैं, शुद्ध घी में रिफाइंड पाम ऑयल डाल करके अपना उसका वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं और इस तरह से कारोबार मेरे चल रहा है। सर, अभी एक एसिड की वो कैन फीकी थी, उसमें क्या था? अब एसिड में तो ये लोग बता रहे हैं सफाई करने के लिए है, लेकिन वो भी जांच का विषय है, उसका भी जांच की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और निषेध पदार्थ पाए गए हैं? अब स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है, भाई कंज्यूमर तो ये समझ के खाता है घी हो चाहे दूध हो कि इसमें मिल्क फैट होगी, लेकिन मिल्क फैट होने के स्थान पर वेजिटेबल फैट है, ये तो कंज्यूमर के साथ धोखा है। क्या कार्रवाई की जा रही है? नमूने लिए जा रहे हैं, इनके लाइसेंस इनका बना हुआ है फूड सेफ्टी के अंतर्गत, और जांच रिपोर्ट आने के बाद इन पर मुकदमे होंगे।